सब्सक्राइब कीजिए जायका NH12 और दबाइए बेल आइकन ताकि हमारे जरिए अपलोड की गई कोई भी जायकेदार डिश आपसे मिस न हो सके। तो आ गया ना मुंह में पानी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका NH12। और आज हम बनाने वाले हैं मटन कीमे के समोसे, वो भी आटे की कवरिंग के साथ। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। कीमे के समोसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम कीमा लिया है और ये एक मीडियम साइज़ कटी हुई प्याज है बारीक, और ये आधी कटोरी चने की दाल थी जिसे मैंने भिगा के निथार के रख लिया है, और ये एक चौथाई कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा नींबू। सबसे पहले हम डो बना के इसको भीगने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ आटा लिया है एक कटोरी, और उसमें मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ और 2 टीस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल। और इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा कर्रा गूंद लेंगे, बहुत ज़्यादा भी कर्रा नहीं होना चाहिए, पूरी के आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो बना लेंगे। तो ये एक कटोरी आटा गूंदने में मैंने आधे ग्लास पानी का यूज़ किया है, और इसको कुछ ऐसा सॉफ्ट सा डो बना के हम आधे घंटे के लिए इसे ढक के रख देंगे। तो जब तक डो भीग रहा है हम समोसे की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम एक पैन में 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लेंगे, और उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। और उसके साथ कीमा, और इसकी कच्ची स्मेल जाने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। कीमे का पूरा पानी सूख गया है, थोड़ा थोड़ा सा बाकी है। इसी के साथ हम सारे ड्राई मसाले डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और ज़ीरा, धनिया, और नमक। अमचूर और चाट मसाला हम अभी नहीं डालेंगे, नहीं तो उसकी वजह से ये ऐड ना लगेगा और गलेगा नहीं और हार्ड सा रह जाएगा थोड़ा। और बस इसके साथ हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। तो मैंने कीमे को यहाँ मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें आधा ग्लास के करीब पानी डाल के इसे गलने रखेंगे। तो मैंने कीमे को ढक के तकरीबन 15 मिनट के लिए पका लिया था, और अब हम इसमें बचे हुए सारे मसाले डालेंगे, और इसका जो पानी है पहले वो सुखा लेंगे थोड़ा सा हाई फ्लेम पे ताकि कोई भी स्मेल नहीं आए हमें। तो कीमे का पानी अच्छे से सूख गया है, अब हम इसमें बचे हुए मसाले डालेंगे, अमचूर पाउडर और चाट मसाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और भीगी हुई चने की दाल भी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसी के साथ हम अपनी कटी हुई प्याज भी डाल देंगे। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि दाल गल जाए। और इसे ढक के 15 मिनट के लिए मंदी आंच पे पका लेंगे। तो इसे लो फ्लेम पे ढक के पकाते हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये दाल काफी अच्छे से गल गई है। हमें इसको बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ी सी चुई रखना है, क्योंकि उसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छा आता है समोसों में। और इसका बस अब आप पानी सुखा लीजिए हाई फ्लेम पे, और जो आधा मैं नींबू रखा था वो भी इस पॉइंट पे इसमें डाल दीजिए, और उसका भी पानी पूरा सुखा लीजिएगा। नींबू की वजह से समोसे बहुत ही अच्छे और चटपटे बनते हैं। अब बस हम इसका पानी सुखा लेंगे हाई फ्लेम पे। तकरीबन आपको इसे 5 मिनट के लिए और भूनना होगा। स्टफिंग का पूरा पानी सुखा लिया है। इसका पानी आप बहुत अच्छे से सुखाइएगा, नहीं तो समोसों के खुलने का बहुत डर रहता है जब हम तेल में डाल देते हैं। और इसको पूरी रेडी हो जाए तो इसमें एक बार आप नमक और मिर्च और चख लीजिएगा, हो सकता है कम हो जाए। और मुझे यहाँ मिर्च कम लग रही है थोड़ी सी, तो मैं आधा चम्मच के करीब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। इसे हम ठंडा होने के लिए खुला फैन के नीचे रख दीजिए अगर आपको तुरंत बनाना है तो, और अगर आपको बाद में बनाना है तो इसे स्टोर करके रख लीजिए। तो अब हम बना लेते हैं समोसे के शीट्स। तो उसके लिए जो आटा गूंदा था ये काफी अच्छा भीग चुका है और सॉफ्ट हो गया है। इसमें से आप 2 लोइयां तोड़ें, एक ये और एक ये, और इसका अच्छे से पेड़ा बनाएं। और इसका भी ऐसे ही। ये सेम साइज की होनी चाहिए, ये मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही है। बहुत से लोगों को मैदे के समोसे से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मैदा पचता नहीं है और डाइजेशन ख़राब होने लग जाता है, तो इसलिए आटे के समोसे आप बनाइए, ये भी उतने ही टेस्टी बनते हैं और उससे ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं मुझे तो ये। और बस इसको थोड़ा सा आटे में ऐसे डिप करके निकालें, और इसको भी इसके बाद हम इसे बेलेंगे। इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इतना बेलने के बाद इस पे हम ऑयल लगा देंगे। और इसको साइड कर देंगे, उतना ही साइज का इसको भी बेल लेंगे। और इसी तरीके से इस पे भी ऑयल लगा देंगे। और दोनों को एक दूसरे पे रख के चिपका लेंगे अच्छे से। और अब हम इसे साथ में बेलेंगे। जितना पॉसिबल हो पाए पतली शीट में बेलिएगा इसको। हालांकि आटे की बहुत ज्यादा पतली नहीं बिला पाती है, मगर फिर भी आप कोशिश कीजिएगा। और इधर तवा गरम हो रहा है, इसके देखिएगा कॉर्नर्स ज्यादा मोटे नहीं रहे, नहीं तो मोटे मोटे कॉर्नर्स की वजह से समोसे में क्रिस्प उतना अच्छा नहीं आ पाता।
टेबल आ चुका है। देखिए इसकी थिकनेस इतनी रहेगी, ये दो रोटियां हैं अभी, और बस अब हम इसे तवे पे डाल देंगे और इसे सेकेंगे। इसको पूरा कुक नहीं करेंगे हम, आप देखिएगा मैं कैसे सेक रही हूँ इसे। आप चाहें तो इसे नॉन स्टिक तवे पे भी बना सकते हैं, और मैंने फ्लेम फुल रखी हुई है अभी। देखिए रोटी का जैसे ही ऐसा कलर चेंज हो इसको पलट दीजिएगा और दूसरी तरफ से भी उतना ही सेक लीजिएगा। अब देखिए जैसे ही इतनी हो जाए इसको तवे से उतार लीजिए और अब हम इसको अलग कर लेंगे। ये ध्यान से कीजिएगा क्योंकि बहुत तेज गर्म होती है तो इसमें भाप रहती है, बहुत ही आसानी से अलग हो जाएगी। ये देखिए हमारी दो शीट्स तैयार हो गई हैं, ऐसे ही हम सारी शीट्स तैयार कर लेंगे। अब हम समोसे की फिलिंग के साथ समोसे को तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ आटे, 2 चम्मच आटे में 1/2 कप पानी डाल के ये स्लरी तैयार कर ली है जो हमें समोसे चिपकाने के काम आएगी। और हम एक शीट लेंगे, उसको हाफ में डिवाइड करेंगे ऐसे, आधा टुकड़ा उधर रख के अब हम समोसा बनाना शुरू करेंगे। यहाँ तेल मैंने गर्म होने रख दिया है, उसके लिए सबसे पहले हम पूरे किनारे पे स्लरी लगा लेंगे। उसके बाद ये कॉर्नर उठा करके इधर स्टिक कीजिए और ये कॉर्नर उठा करके इधर स्टिक कीजिए और अब इसके अंदर हम फिलिंग भरेंगे। तो उसके लिए फिलिंग ली, ऐसे चम्मच से इसमें डालें। और दोबारा से स्लरी से हम इसे चिपका लेंगे। कहीं से भी रोटी खोल रही हो तो आप उस पर स्लरी का जॉइंट लगा सकते हैं। बस ये समोसा तैयार है। आप चाहें तो ऐसे बना के इसको फ्रीज करके भी रख सकते हैं, ये महीने भर खराब नहीं होंगे फ्रीजर में। और बस अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा वरना समोसा जल जाएगा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। जैसे ही समोसे को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो जाए आप इसे पलट लीजिएगा और इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई करिएगा। हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पूरा फ्राई करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं समोसा बहुत ही प्यारा फ्राई हुआ है। इस पर ऐसा जब कलर आ जाए इसको आप बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा और जब ऐसा कलर आ जाए तो इसको एक टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिएगा। और हम इसी तरीके से अपने सारे समोसे तल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है ये। और चलिए हम सारे समोसे तल के प्लेटिंग करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं समोसे बनके पूरे तैयार हैं।
और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैं सिर्फ हाथ से कर रही हूँ इसे टच, कितने क्रिस्पी बने हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल जायका एनएच 12 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।